पांवटा साहिब में मंगलवार को फिर एक सड़क हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार एक फॉर्चूनर गाड़ी पांवटा साहिब की ओर से बड़ेवाला की ओर जा रही थी कि अचानक बड़ेवाला स्कूल के समीप गाड़ी का नियंत्रण खो गया और गाड़ी सड़क से उतरकर खेत में जा घुसी और करीब 10 फीट दूर खेत में जाकर रुक गई। राहत की बात यह है कि गाड़ी में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। सड़क पर भी उस समय वहां कोई नहीं था, नहीं तो कोई भी अप्रिय घटना हो सकती थी। वहीं सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि उस समय स्कूल की छुट्टी का समय नहीं था, नहीं तो स्कूल की छुट्टी के समय यदि छोटे छोटे बच्चे वहां पर होते तो इस हादसे की वजह से कितना नुकसान हो सकता था, ये आप सब लोग अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि स्कूल के सामने स्पीड ब्रेकर भी बने हुए हैं, लेकिन कुछ दिन पहले ही इन स्पीड ब्रेकर्स को तोड़ दिया गया, जिस वजह से यहां वाहन फिर से तेज गति से दौड़ रहे हैं। इस हादसे के बाद तुरंत प्रभाव से यहां पर लगे स्पीड ब्रेकर्स को भी ठीक करने की जरूरत है ताकि भविष्य में कोई दुर्घटना न हो। बहरहाल पांवटा साहिब पुलिस भी अब इस पूरे मामले की जाँच में जुट गयी है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। पांवटा साहिब में सड़क हादसा होना अब आम बात सी हो चली है। बात अगर पिछले कल सोमवार की जाए तो बड़ेवाला में ही पिछले कल भी एक सड़क दुर्घटना हुई थी जिसमें एक गर्भवती महिला की जान चली गई थी और मात्र 24 घंटे के अंदर आज फिर से एक सड़क हादसा हो गया। लिहाजा पंजाब केसरी सभी से गुजारिश करता है कि वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, जिससे कि आप लोगों का भी कोई नुकसान ना हो और किसी दूसरे को भी कोई हानि ना पहुंचे। पंजाब केसरी टीवी के लिए पांवटा साहिब से प्रेम वर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।